नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे और जिस तरीके से आज हम लोगों ने मार्केट को देखा है मार्केट में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही फॉल आते हुए देखा है एक गैप डाउन के साथ हम लोगों ने कंटिन्यू रैली देखी है मार्केट के अंदर मार्केट को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए बिकॉज कल एक्सपायरी है मार्च की एंड वो लास्ट डे है जहाँ पर हम लोग इस मार्च पर ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी में एंड उसके बाद अप्रैल सीरीज स्टार्ट हो रही है तो कल किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है एंड एक्सपायरी में किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी वर्क कर सकता है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आई है फायर्स की तरफ से उसके बारे में भी हम लोग एक मिनट का डिस्कशन जरूर करेंगे ओके सो लेट स्टार्ट सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फर्स्ट स्टॉक की जिसका नाम है हीरो मोटोकॉप हिरोमोटोकॉप पर मैं आप लोगों को बाय करने की ही सलाह दे रहा हूँ एंड आई पर्सनली थिंक सॉरी यहाँ पर मैं आप लोगों को सेल करने की सलाह दे रहा हूँ एंड जिस तरीके से फॉल आया अगर मैं आप लोगों को चार्ट पे लेकर जाऊँगा गैप डाउन के बाद एक कंटिन्यूस फॉल तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर एक्सपायरी वाले टाइम पर भी आ सकता है तो किस तरीके से ट्रीट करना है स्टॉक्स भी उसी हिसाब से सुनने पड़ेंगे सेल साइड में सो so मैं यहाँ पर आप लोगों को एनालिसिस करके दिखा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा तो क्लियर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन का प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाऊं तो ज़्यादातर मैंने जो स्टॉक्स आज फाइंड करे हैं वो इसी कंसेप्ट के बेसिस में फाइंड करे हैं ओके सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली एक कंटिन्यूस डाउनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिली उसके बाद एग्जैक्ट इस पॉइंट से इस कैंडल ने यहाँ पर एक हैमर फॉर्म करा ठीक है एक हैमर कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है एंड एग्जैक्ट जो इसका लो था जो इस हैमर कैंडल का लो था वो कंटिन्यूसली तीन दिन की रैली में ब्रेक डाउन हो चुका है और उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे चुका है अब आप एक पॉइंट समझेगा एक कंटिन्यूस रैली आ रही है उसके अलावा मार्केट दोबारा नीचे जाती है और एक ह्यूज अप मूव के साथ क्लोज कर जाती है उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टॉक हल्का सा ऊपर जाता है दोबारा नीचे आ रहा है दोबारा नीचे आ रहा है ये वाला जो पॉइंट है जहां पर एक शार्प रिकवरी एक्सपेक्टेड थी अगर उसके नीचे दोबारा क्लोजिंग हो जाती है दगाइस तो वो एक मूव होता है कि वहां पर एक ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ सकता है सो so, इसके नीचे ये क्लोज कर चुका है बट टू बी ऑन सेफ साइड हम लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं जब ये थ्री थर्टी के लेवल के नीचे जाके ट्रेड करेगा हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं बट तब तक के लिए हम इसे कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये थ्री जीरो ट्रेड नहीं है थ्री जीरो के नीचे ही हम लोगों को वहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करके चलना होगा ओके okay? सो so, इसी के साथ एक ऐसा सेम स्टॉक और है जिसे मैं कह देता हूँ तो दिखा देता हूँ यस एक्साइड इंडिया के अंदर भी सेम टाइप ऑफ सिचुएशन हो रही है जो कि हम लोगों ने हीरो मोटरकॉप के अंदर देखी है लेट मी शो यू आपको यहां पर क्लियर वे में दिख रहा होगा कि एक शार्प डाउनफॉल uh, हमें यहाँ पर देखने को मिली है क्लियर वे में आप देख सकते हैं शार्प डाउनफॉल एक इस एग्जैक्ट इस पॉइंट से हम लोगों ने एक रिकवरी देखी स्टॉक ऊपर भी जाने की कोशिश करी बट अगेन एक सेल ऑफ आ गया और वो दोबारा नीचे आ गया तो जब ये लेवल ब्रेक होगा तब हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छे लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं सो लेट मी टेल यू कि हम किस लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं तो 182.5 के नीचे यानी कि इस लेवल से अभी की जो क्लोजिंग है वो है वन एट्टी की सो वन से एक रुपये नीचे आप इसे शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड आई पर्सनली थिंक ये भी आपको अच्छा टारगेट दे सकता है नेक्स्ट स्टॉक इज एन एम डी सी लेट मी शो यू एन एम डी सी एज वेल एन एम डी सी पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ आप देखिएगा एक शार्प अपमूव आई एक शार्प रैली हमें देखने को मिली उसके बाद आप क्लियर आपको एक वे में दिख रहा होगा कि एक राउंडिंग टॉप टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर बन रहा है एक राउंडिंग टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है एंड आप कंटिन्यूसली अगर यहाँ इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगा नीचे आया एक बार स्टॉक अगेन इट मूव्ड अप उसके बाद एग्जैक्ट इसी लेवल से ही ऊपर गया था जो मैं आप लोगों को लगातार प्रीवियस दोस्त स्टॉक्स में बता रहा हूं उसके बाद एक ह्यूज गैप डाउन देखा इसी लेवल पे दोबारा लो बनाया मतलब एक डबल बॉटम क्रिएट करा एंड अगेन इट मूव्ड अप अगेन आज एक फॉल आया ट्रिपल बॉटम टाइप ऑफ सेनैरियो बनाया और दोबारा इसी लेवल पे क्लोज कराया सो अगर इस लेवल के नीचे जाता है यानी कि वन ट्वेंटी के नीचे जाना ये स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली एक हैवी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल जाएगा और यहाँ से तीन से चार रुपये ये आराम से दे सकता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेगा एंड डेफिनेटली थिंक ये आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है सेलिंग साइड तो चलिए दो स्टॉक्स की तरफ और बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फायर्स का आईपीओ का टर्मिनल दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं कि फायर्स ने एक और टर्मिनल ओपन कर लिया है जिसके थ्रू आप यहां पर आई पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं यस गाइस तो आपको क्या करना है आपको टाइप करना है अपने सर्च बार में आई पी ओ डॉट फायर्स डॉट इन सो तो आप इस टर्मिनल के अंदर आ जाएंगे एंड आई पर्सनली थिंक ये टर्मिनल आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी आईडी ऑलरेडी लॉगिन है मैंने अपने फायर्स के अकाउंट के थ्रू आईडी को लॉगिन कर लिया है बट अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा आपको राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में तो आप उसे लॉगिन कर सकते हैं आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि करंटली कौन सा आई अभी चल रहा है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपकमिंग आई कौन से आने वाले हैं एंड गाइस पास्ट में कौन से कौन से आई आ चुके हैं तो आई थिंक अगर मैं ऑन गोइंग आई में जाना चाहूंगा तो फर्स्ट आईपीओ जो आज ही लिस्ट हुआ है जो आज ही अप्लाई के लिए आया है वो है बाबी क्यू निशन सो चलिए बाबिग्यू नेशन में व्यू डिटेल्स पे जाते हैं एंड uh, व्यू डिटेल्स पे आप पूरी डिटेल्स बाबिग्यू नेशन की देख सकते हैं प्लस राइट एंड साइड पे आपको पूरा लिखा होगा कि कब तक ये आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा प्राइस बैंड है मिनिमम क्वांटिटीज कितनी ट्रेड करनी है कौन से कौन से टाइम तक आप आई में अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टेन ई टू फाइव पी तक आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस पे आप क्लिक करके पूरा प्रोस्पेक्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इसका पढ़ सकते हैं एंड यहां पर आपको और इंफॉर्मेशन इस कंपनी के रिलेटेड मिल जाती है ठीक है यहां पर आपको एक गाइड मेन्यू दे रखा है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है आईपीओ के अंदर बट मैं आप लोगों तो को बता देता हूं अप्लाई नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑलरेडी आपकी डिटेल्स यहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है आपके ऑलरेडी डिटेल्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगी बस आपको प्राइस एंटर करना है जिस प्राइस पे आपको बाय करना है क्वांटिटीज एंटर करनी है आप क्वांटिटीज थर्टी मिनिमम क्वांटिटीज होती है उसके मल्टीपल पे भी क्वांटिटीज को ट्रेड या इन्वेस्ट के थ्रू में कर सकते हैं ओके आप डी पी आई डी पर क्लिक करेंगे तो आपका डी पी आई डी शो हो जाएगा आप ही क्लिक करेंगे गाइस इस आई पी ओ फायस पर एक सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है आपको इंटरनेट बैंकिंग या उसके थ्रू करने की जरूरत नहीं है एक डिजिटल सिस्टम या यू पी आई के थ्रू आप आराम से आई पी ओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं यस yes, एक सिंपल यू पी आई पेमेंट की पेटीएम uh, की यू पी आई गूगल पे की यू पी आई आप किसी के भी यू पी आई के थ्रू आप फायस में आई पी ओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं सो so, आपको क्या करना है आपको सीधा आई पी ओ यू पी आई आई डी डालनी है अपनी आपको uh, इस टिक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है एंड अप्लाई नाव पे क्लिक कर लेना है आप जैसे ही अप्लाई नाव पे क्लिक करेंगे अगर आपने गूगल पे की यूपीआई आई डी डाली है तो वहां पर एक आपको कन्फर्मेशन आएगा कि आपका अमाउंट ब्लॉक करने के लिए आप जैसे उस कंफर्मेशन को क्लिक करोगे एंड अप्रूव करोगे आपका आई पी ओ ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा सो so, क्लीन और सिंपल स्टेप्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइडेड कराया गया एंड गो एंड विजिट दिस फायर का जो डैशबोर्ड है यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी आईपीओ से रिलेटेड तो चलिए चलते हैं एंड तो अगर आप लोगों को गाइस इस पायर्स अकाउंट ओपन करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एंड उस अकाउंट ओपन में करवाने के बाद मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखे जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है उस अकाउंट के थ्रू आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यस अ नेक्स्ट स्टॉक इज जिंदाल स्टील जिंदाल स्टील पे अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक सिंपल एनालिसिस मैंने पुट करी है जो कि डिमांड एंड सप्लाई जोन की है आप लोगों को यहाँ पर क्लियर वे में दिख रहा होगा कि दिस इज द सप्लाई जोन यहाँ पर मल्टीपल सप्लाई जोन हमें फेस करने को मिल रहा था उसके बाद जब इसने सप्लाई जोन को ब्रेक करा इट मूव्ड अप नीचे ऊपर इधर एंड आप देख सकते हैं एक सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है हूं हायर साइड जो कि एक हम मैं कह सकते हैं कि एक बियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 305 का लेवल है 305 जीरो के लेवल को अगर ब्रेक करता है सो डेफिनेटली यहां पर एक ज्यादा सेलिंग प्रेशर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच करके चलेगा थ्री जीरो या थ्री के नीचे आप एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं और लास्ट स्टॉक इज टाटा स्टील टाटा स्टील पे भी मैं सेल करने की ही सलाह दे रहा हूँ क्लियर वे में भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि दिस इज़ द पर्टिकुलर सप्लाई जोन यहाँ पर मल्टीपल सप्लाई जोन था ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट कर रहा है मल्टीपल रीटेस्ट कर रहा है एंड अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा और मल्टीपल बार आके यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है सो दैट मीन्स जो ये लेवल है वो कि एक इम्पॉर्टेंट है और वीक है इंपॉर्टेंट क्यों है अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए अगर ये ब्रेक करता है तो एक हीवी सेलिंग आ सकती है और वीक किस लिए क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बार ये स्टॉक आके टेस्ट कर चुका है ठीक है तो इस स्टॉक को भी हम लोग वॉच करके चल सकते हैं एंड आई थिंक अगर 700 का एक साइकोलॉजिकल लेवल अगर वो ब्रेक होता है कल तो डेफिनेटली यहां पर भी एक सेलिंग प्रेशर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो स्टॉक को भी डेफिनेटली वॉच करके चलेगा ओके सो चलते हैं बैंक निफ्टी एंड नि निफ्टी की तरफ एंड लेट मी शो यू बैंक निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू वेट अ सेकेंड लेट मी रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स यस यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली एक चीज दिख रही होगी कि मल्टीपल बार जब एक फॉल आया एग्जैक्ट इसी लेवल पे ये हॉल्ट करा ठीक है लगातार तीन दिन इसी लेवल पे हॉल्ट करा चार दिन इस लेवल पे क्लोजिंग मिली है बट आज के हमने ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखा कि इस रेंज का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है एंड उसके नीचे जाके क्लोजिंग देखने को मिली है हम एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कि ये छोटा सा गैप था कि वो एक गैप फिल कर रहा है और एग्जैक्ट उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया है सो वट वी कैन डू हम लोग एक लेवल बना के चल सकते हैं अभी जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो है थर्टी का अगर ये थर्टी के नीचे जाता है और पंद्रह मिनट की कैंडल या पाँच मिनट की कैंडल भी क्लोज कर लेता है तो हम लोग वहां पर एक इनिशिएट कर सकते हैं एंड लेट मी टेल यू अबाउट द टारगेट एज वेल और मुझे लगता है जो टारगेट आ सकते हैं वो आ सकते हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड तक ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड तक के टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर, कर सकते हैं यानी कि और फाइव हंड्रेड का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय साइड में मैं बिल्कुल भी जाऊंगा अगर इस पर्टिकुलर निफ्टी या बैंक निफ्टी को रिवर्स करना है तो यहां पर इनको एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनानी ही पड़ेगी कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर वरना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो ये एक इनसाइड कैंडल बनाएगा और अगले दिन एक फॉल आ सकता है तो यहां पर आपको कॉशियस रहना है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल तभी बन पाएगी जब ये रिस्क पूरी रेड कैंडल के ऊपर जाके बंद होगी कैंडल है ठीक है इस पूरे ऊपर जाके लेट मी ड्रॉ अ ग्रीन कैंडल इस ग्रीन कैंडल अगर ऐसी बनती है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो यस आई कैन एक्सपेक्ट कि से अब ऊपर जा सकता है ट्रेंड बट अभी के लिए अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी कैन तो गो फॉर अ शॉर्ट एंड आई थिंक ये पांच पॉइंट हमें आराम से मिल सकते हैं येस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा बट आप लोग सेफ साइड में अगर 150 पॉइंट से 200 पॉइंट्स भी कैच कर लेंगे दैट्स इनफ फॉर यू ओके बाय साइड में अभी नहीं जाना है सेल साइड की तरफ ही रहना है या फिर एक ये इनसाइड कैंडल बना सकता है तो इनसाइड कैंडल पे आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि कल एक्सपायरी होगी अगर आप नेकेड कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे तो आपका प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा एंड उसकी वजह से आपको लॉसेस बुक करने को मिल सकते हैं क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज चली जाती है सो प्लीज़ बी कॉशियस उसी हिसाब से ट्रेड करना अगर आपको लगता है डाउन साइड टू साइडवेज हो सकती है तो आप पुट ऑप्शन को सॉरी कॉल ऑप्शन को आप शॉर्ट करके चल सकते हैं वहां पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है चलिए लेट्स मूव टू निफ्टी एज वेल निफ्टी को एक बार चेक कर लेते हैं निफ्टी को जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आप देख सकते हैं सेम टाइप ऑफ जो सिचुएशन बनी थी जिंदाल स्टील के अंदर एग्ज एनएम के अंदर एग्जैक्ट यहाँ पर बन रही है एक फॉल अप मूव एंड कंटिन्यूसली दोबारा नीचे आ रहा है ठीक है सो so, इस लेवल के नीचे अभी तक हम लोगों को एक बार भी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली आप यहाँ देख सकते हैं जब से इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम फेब ट्वेंटी से मतलब हो चुके हैं ऑलमोस्ट दो से ढाई महीने हो चुके हैं जब से इस लेवल का ब्रेकआउट मिला है इस लेवल के नीचे आ की क्लोजिंग आज तक नहीं मिली है ठीक है एग्जैक्ट इसी लेवल पे ये क्लोज है तो हम क्या कर सकते हैं अगर ये 14,520 थाउजेंड फाइव ट्वेंटी के नीचे जाना स्टार्ट करता है मैं साइकोलॉजिकल लेवल भी नहीं कह रहा कि 14,500 थाउजेंड 14 फाइव हंड्रेड थाउजेंड फाइव ट्वेंटी के नीचे पंद्रह मिनट की कैंडल क्लोज होती है यू कैन गो फॉर शॉट एंड आई पर्सनली थिंक यहां से आप लोगों को आराम से आराम से 50 से 60 पॉइंट बहुत इजीली मिल सकते हैं सो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कल सेलिंग प्रेशर आता है तो आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं एक बढ़िया डाउन मूव या साइडवेज अगर आता है तो आप पुट कॉल ऑप्शन को सॉरी शॉर्ट करके चल सकते हैं या फिर जो मैंने आप लोगों को कल एक बुल कॉल स्प्रेड बताया आप उसे बियर कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड के थ्रू भी लेकर ट्रेड कर सकते हैं ओके okay? सो लेट्स एंड दिस वीडियो आई थिंक मैंने आप लोगों को सारे डाउट्स और सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए होंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एंड अगर आप लोग आई पी ओ बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डू लेट मी नो एंड फायर के थ्रू आप बाय कर सकते हैं बहुत ईजिली बट अगर अभी तक आप लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आप उसके थ्रू अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एंड वहां पर आप लोगों को बहुत सी वीडियोज मेरे यूट्यूब के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगी जहाँ पर मैंने बता रखेगी फायरस पे आपको किस तरीके से अकाउंट ओपन करवाना है आप फायर्स का टर्मिनल क्यों इंपॉर्टेंट है एंड वाई आई एम श्यो फ्टिंग फ्रॉम जीरो वीडियो को एंड करते हैं एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय